हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मुझे जाना है अभी शॉप पे क्योंकि कस्टमर आ चुके हैं। 9:30 हो रही है, टाइम से पहले ही शॉप खोलनी पड़ रही है। और यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट पड़ा है तो कर लेती हूँ। कौन है भाई, बुट वाला? हाँ, मम्मी भी हैं बाहर, तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और जल्दी से जल्दी जाते हैं शॉप पे। लंच का भी अपने को ठिकाना नहीं है क्योंकि कल तो 6 बजे लंच किया था, अब आज कितने बजे करने मिले क्या पता। वॉश हो चुका है तो कल जो मिस कॉस की मांग चिकू ने मुझे दी है वो मैं आज लगा रही हूँ। अब बिंदी लगने के बाद लुक चेंज। कस्टमर तो अटेंड कर लिए हैं, अब बना देती हूँ आगे शुगर की वैनिटी, क्योंकि शुगर की वैनिटी क्या एक ऑर्डर आया है। सो लो भाई, शुगर की वैनिटी तो कंप्लीट ब्राइडल वैनिटी बना रही हूँ मैं अभी, तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी अच्छी वैनिटी बन गई। घर से तो कॉफ़ी पी के निकल गए थे, पर शॉप पे आके फिर चिकन बोला थोड़ा कुछ नाश्ता कर ले नहीं तो तेरे बिल्कुल ही रह जाएगा। तो आ गए हैं समोसे, और समोसे कचौरी मैं खाती नहीं हूँ, पर चिकन बोला बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, टेस्ट कर। तो अभी करूँगी टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा यम है समोसा चटनी के साथ। कड़ी है, चटनी है ये, क्या है ये? दही और चटनी मिक्स है, बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप ऋषभदेव के हो तो हॉस्पिटल रोड पे जो है समोसे वाले भैया, वहाँ पर आप जाके टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट क्या, आप रेगुलर कस्टमर हो जाओगे, इतनी टेस्टी है। मैं कभी खाती नहीं हूँ पर आज खा रही हूँ। मैं भी खाता नहीं हूँ। ये अभी हमने वैनिटी क्रिएट की है जो कि है 13,000 की, और इसके साथ ये वैनिटी बॉक्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और साथ में 2 लिपस्टिक और 1 आईब्रो डिफाइनर कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बहुत ही अच्छी ये वैनिटी बनी है, पूरा ब्राइडल पैकेज बना है जिसके अंदर है आई शेडो पैलेट, फेस पैलेट, कॉन्टोर, ब्लश, रिफ्रेशिंग मिस्ट आ गया, प्राइमर आ गया, फाउंडेशन की 2 शेड्स आ गए, अलग अलग प्राइमर आ गया, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो जल्दी से जल्दी आप शॉपिंग करो और शुगर की ये वैनिटी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, कंप्लीट फुल ऑफ पैकेज है ये मेकअप का। तो सभी चीज़ें आ गई है जैसे कि आप देख रहे हो, लिपस्टिक के भी जो भी अच्छे से अच्छे शेड्स हैं वो आ गए, जो कि आपको पार्टी वियर में भी काम आ जाएंगे और रेगुलर में भी काम आ जाएंगे। घर आ गई, घर आने के बाद लंच बनाया, और लंच में आज बनाया है, कल मम्मी ने मूंग भिगाए थे तो मूंग फ्राई किए हैं, एंड रोटी बन चुकी है और ये राइस भी बन चुके हैं, दाल इसमें है, और ये मैंगो का जूस जो कि बहुत ही अटपटा दिख रहा होगा क्योंकि इसके अंदर कलर जाना बाकी है, कलर मिल नहीं रहा है तो नया मंगवाया है। ऐसा कलर देख के तो कोई मैंगो का जूस भी ना पिए, मैं तो नहीं पी। तो फटाक से लगा देते हैं अब किचन खाना, क्योंकि 1 घंटे में खाना तैयार कर दिया और आज काम वाली कोई भी आई नहीं है, तो बर्तन वगैरह सब कंप्लीट करके जाना है शॉप पे, और शॉप पे भी बैक टू बैक मेकअप्स हैं रिसेप्शन पे। ये हमारा आज का खाना, दाल, रस, रोटी। आज बपड़ी नहीं बनाई है क्योंकि बपड़ी बहुत हो गया था, तो आज सिर्फ बनाई है रोटी। तो खा लेते हैं और फिर चलते हैं शॉप पे। किचन हो गया है हमारा कंप्लीट क्लीन, और किचन आप जरा देख सकते हैं किचन की कंडीशन, हम चक चक करके जा रहे हैं, चक चक एकदम। और अब दुकान पे जाके ब्राइडल्स को चक चक करते हैं, चिकू ले रहे हैं वहाँ पर पावर नैप, और अपन चलते हैं शॉप पे क्योंकि है ना वो थक गए तो उनको थोड़ा सोना है, तो सोने देते हैं, जगुबिया को ले जाते हैं। ओ ये क्या था, बस हो गई नींद 2 मिनट की, शेड्यूल टाइट है आज का इसलिए। ओके लेट्स गो, एकदम पंचुअल रहना चाहिए, बी ऑबिडेंट। क्या तप रहा है, बहुत ही तेज गर्मी, बहुत ही ज्यादा तेज, गिलहरिया दौड़ रही है। ओ माय ट्रू लव, बाप रे क्या हालत होगी इसकी, तो ठंडा कर रहे हैं इसको। अभी जस्ट हुए हैं सारे मेकअप, और आप स्टूडियो की हालत देख सकते हो कुछ ऐसी है, मेकअप करके, और ये थोड़े बहुत हेयर भी कट किए थे, तो
सारा ऐसे ही मैस है, तो थोड़ा सा आवेर देते हैं फिर चलते हैं शादी में, क्योंकि अपन को भी जाना है। सो फटाफट से कर देते हैं क्लीन और फिर चलते हैं घर पे। मेकअप हुए सारे कंप्लीट, चिकू ने थोड़ी हेल्प कर दी मेरी, और सारा सामान भी थोड़ा सा आवेर दिया, थोड़ा रहने दिया, क्योंकि सुबह मुझे 5:30 बजे वापस आना है। और अगर आपको ब्राइडल मेकअप्स मेरे देखने हैं, जो भी मेकअप है वो देखना है, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, वहाँ पर मैं रील्स डालती रहती हूँ, फोटोज़ भी डालती रहती हूँ। तो ठीक है, अभी जाते हैं घर पर, रेडी होकर फिर जाना है रिसेप्शन में। मंगल कर दीजिए सबको। घर पे आने के बाद सोचा था कि मैं रिसेप्शन में जाऊं, पर मैं इतनी थक चुकी थी, मेरा जाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मेरी बॉडी फुल हो गई है डेड। और फिर जिकू ने बना दी थोड़ी सी मैगी, तो हमने खा ली, और अब मैं करूंगी रेस्ट, क्योंकि मुझे अब उठना है 5:30 बजे। और आज का व्लॉग थोड़ा छोटा ही बना होगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पूरा ही दिन बिजी थी और अकेली थी, इसलिए सारा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर मैं सब कुछ सेट करके चलती हूँ, इसलिए इतनी उलझती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक एक करके ही बुलाती हूँ मेकअप के लिए। सो मेकअप करना थोड़ा इजी हो जाता है, हेयर स्टाइलिंग करना भी थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि भीड़ भड़ा के मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ वो हो, इसलिए थोड़ी बिंदियाँ यहाँ बेड पर आज तक गिर गई हैं। तो बस यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज के आपको मेकअप देखने हैं तो इंस्टाग्राम पर चले जाइए, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो बस यहीं पर कर देते हैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।